please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी के पूर्व विधायक जीपी तिवारी के बेटे की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे वैभव की हत्या घर से बुलाकर अज्ञात लोगों ने की। यूपी सरकार के मंत्री समेत बीजेपी के 3 विधायक और 2 सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। यूपी में सामूहिक विवाह योजना के तहत दुल्हन को 3,000 का मोबाइल और 35,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्नाव में सीएम योगी यूपी में घर घर बिजली पहुंचाने की योजना सौभाग्य का शुभारंभ करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। यूपी के बागपत में पशु कारोबारी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मौजूदगी में छेड़खानी के आरोपी को पंचायत ने जूते मारकर छोड़ दिया। हाथरस में मनचलों की धमकी से परेशान एक छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं कॉलेज जाती हूँ तो रस्ते में 6 साल रहता है। यूपी सरकार ने ऐलान किया कि 32,000 फ्लैट खरीदारों को 31 दिसंबर तक अपना घर मिल जाएगा। इलाहाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्याय में देरी होना एक तरह का अन्याय बताया। न्याय मिलने में देर होना भी एक तरह का अन्याय है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के नगर निगम पार्षदों और नगर पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात की। मेरठ की छात्रा आलिया खान का चयन राज्य स्तरीय गीता गायन प्रतियोगिता के लिए हो गया है। आजमगढ़ में एक आदमी अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा और फिर घर वापस ले आया। यूपी के अंबेडकर नगर की एक महिला ने पति पर फोन पर तलाक देने का आरोप लगाया है। यूपी पुलिस ने पहचान छिपाकर रिक्शा चला रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लखनऊ की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोर 22 लाख की चोरी कर फरार हो गए। वाराणसी में एक सफाई कर्मचारी की वजह से कार में बंद हुए बच्चों की जान बच गई। बुलंदशहर में रैन बसेरों के इंतजार में गरीब कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर हैं। यूपी के बहराइच में अस्पताल परिसर में कूड़े के ढेर और गंदे पानी की वजह से हालात बदहाल हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2018 के अवकाश कैलेंडर में साल की 7 छुट्टियां कम कर दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक पर पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगा है। हमारे हिंदुस्तान में 2 मशीनें हैं बेवकूफ बनाने की। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसीहत दी कि ऐसी भाषा से कांग्रेस की छवि खराब होती है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता करते हैं उससे कांग्रेस की छवि भी खराब होती है। मध्य प्रदेश में अमजद अली खान को तानसेन समारोह में ना बुलाने पर पर्यटन मंत्री ने माफी मांगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर बंदूक ताने वाले सिपाही रत्नेश पर केस दर्ज हुआ। मंदसौर में गोद ली बेटी के रेप के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के थार में 4 साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लापरवाही की वजह से नवजात की मौत का आरोप लगा। जबलपुर में नसबंदी के बाद महिलाओं को बिस्तर की जगह जमीन पर लिटा दिया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को रोककर महिलाओं ने बिजली पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशासन ने आदिवासियों के घरों के आगे लिखा मैं गरीब हूँ। आधे परिवार ऐसे जिनको राशन अभी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हेडपंप खराब है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर गरीबों के साथ मजाक करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है क्योंकि वही ऐसी हरकतें करते हैं।
भोपाल में बीटेक की एक छात्रा को बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शीतलहर ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। हिमाचल के सीएम वीरभद्र ने एग्जिट पोल को झूठा बताते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। शिमला में हिमाचल रोडवेज की बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने राज्यों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दिल्ली के मुकंदपुर में आउटर रिंग रोड के फ्लाईओवर का उद्घाटन करते वक्त केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली के मुकंदपुर में केजरीवाल को काले झंडे दिखाने के दौरान बीजेपी आप कार्यकर्ता भिड़ गए। दिल्ली के रानीबाग में महिला की हत्या के बाद शव को बोरेवली में ले जाने का सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली के रोहिणी में एक महिला ने गैंगरेप और लूटपाट का आरोप लगाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में नई स्कॉर्पियो चोरी करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तीनों आते हैं और हमारी गाड़ी को आगे पीछे करके और शीशा तोड़ के और उसको ले जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जैमर लगाकर वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने कार और बाइक चुराने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शोएब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। पंजाब में आज नगर निगम चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पंजाब के गोहना में नहर टूटने से कई हजार एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हरियाणा पुलिस ने रोहतक से एटीएम की क्लोनिंग कर रुपए ठगने वाले को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने रोहतक से पत्नी की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने वाले पति को गिरफ्तार किया। नीतीश कुमार ने लालू यादव के सरकार में ना होने पर शराबबंदी की बुराई करने पर तंज कसा। पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर लालू यादव और तेज प्रताप पर सीतामढ़ी में मामला दर्ज हुआ। नीतीश सरकार की रेत खनन नीति के खिलाफ आरजेडी ने 21 दिसंबर को बिहार बंद बुलाया है। सिवान की जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी ने रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में 3 साल की सजा हुई। बिहार के वैशाली में एक लड़के की खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के गुरुद्वारे में मत्था टेका। बिहार के अरवल में 4 साल की एक बच्ची के रेप का मामला सामने आया है। बिहार के समस्तीपुर में समीक्षा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काले झंडे दिखाए गए। बिहार के कैमूर में गैंगरेप का विरोध करने पर एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर सवाल उठाए और एग्जिट पोल को पूरी तरह नकार दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के एक आदमी से हाथी का दांत और भालू के बाल बरामद हुए। महाराष्ट्र के 12 जिलों में पीने के पानी में ज्यादा फ्लोराइड होने से लोग परेशान हैं। मालवानी मर्डर केस में मृतक लड़की के दोस्त का नार्को टेस्ट हो सकता है। बीजेपी सांसद संजय काकड़े ने गुजरात में बीजेपी की हार की आशंका जताई है। कांग्रेस जीतेगी और शायद कांग्रेस सरकार भी बना पाएगी और हम लोग सरकार बनाने तक वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप नेता संजय सिंह ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि ईवीएम की काउंटिंग कराने में क्या डर है। लालू यादव के मुताबिक एग्जिट पोल गलत है और गुजरात में कांग्रेस की जीत होगी। गुजरात में मतगणना के दौरान पर्यवेक्षक के अलावा कोई भी हॉल में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। ईवीएम पर उठते सवालों के बीच गुजरात के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। जयपुर के एक स्कूल में जर्मनी के छात्रों ने हिंदी गीत गाए और हिंदी गीतों पर डांस किया।
बड़गाम समेत गुजरात के 6 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोटिंग की जाएगी। गुजरात चुनाव के लिए सिक्किम से आए जवानों ने लौटने से पहले अहमदाबाद में गरबा खेला। कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री को रेजिडेंट डॉक्टरों ने घेर लिया। राजस्थान के धौलपुर में एक पिता पर अपनी नाबालिग बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दानिश नाम के आतंकी ने समर्पण किया।